महू से वंदे भारत के लिए इस वक्त आ रही है सबसे बड़ी खबर। किशनगंज थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम पिंगडंबर में कांग्रेस नेता के भतीजे के अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। आरोपियों द्वारा फिरौती में परिजनों से 4 करोड़ की डिमांड की जा रही थी। कांग्रेस नेता विजेंद्र सिंह चौहान के छोटे भाई जितेंद्र सिंह चौहान का बेटा हर्षु उम्र 6 साल रविवार शाम 6 बजे से घर से लापता हो गया था। परिजनों ने कई घंटों तक गाँव सहित आसपास के एरिए में हर्षु को ढूंढा लेकिन वो नहीं मिला। पुलिस की शिकायत के मामले के बाद पुलिस भी बच्चे की छानबीन में लगी रही। देर रात पता चला कि बच्चे का शव चोरल में आने वाले सैंडल मेंडल गांव की एक पुलिया के नीचे पड़ा है। जानकारी लगते ही पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे, बच्चे के शव को बरामद कर महू के सिविल अस्पताल लेकर आए। यहां पर बच्चे का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। मामले में किशनगंज TI कुलदीप खत्री का कहना है कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। वंदे भारत के लिए महू से टोनी शर्मा की रिपोर्ट। हुआ तो क्या मामला सामने आया? एक बच्चा है जिसका अपहरण हुआ था कल रात को और आज सुबह डेड बॉडी आई है अर्ली मॉर्निंग, ये 7:30 बजे करीब, और इसका आज PM हुआ है। ये बच्चा, इस बच्चे का नाम हर्ष है, पिता जितेंद्र, पिंगडंबर का रहने वाला है ये बच्चा, और करीब 7 साल के आसपास की उम्र थी इसकी, और मुँह में कपड़ा ठूस के इसकी हत्या की गई है और नाक बंद करके। आपका नाम बता दीजिए। डॉक्टर हंसराज वर्मा, सिविल हॉस्पिटल महू। तो वो उन्होंने अपने सिविल में, क्योंकि मामला था इसलिए सीधे पुलिस ना जाते हुए प्राइवेट गाड़ी में सिविल में गए, हम लोगों को सूचना दी, तो तत्काल भी आ गया, उसके बाद DI साहब भी आ गए। तो जिस नंबर से फोन आया था उस नंबर का हमने CDR वगैरह निकाला, तो वो एक ही दिन का कुछ आ रहा था, और वो नंबर किसी अमलिया गांव आगर मालवा से के नाम से था किसी, तो वहाँ हमने टीम भेजी तो पता चला कि वो बंदा 1 साल से उस गांव में नहीं था। फिर वो जो सीम जारी हुई थी उज्जैन से जारी हुई, वहाँ भी हमारी टीम गई, तो उन्होंने सेकंड नंबर फोन दिया था, वो गई उसका लोग खंडवा। इसी बीच में जो हमारी CCTV की जो टीम देख रही थी, तो जो बच्चा था हर्ष, उसको रितेश पिता सुभाष के साथ जाते हुए, रितेश जो है जितेंद्र जी की बुआ की लड़की का बेटा, तो फिर हमने जितेंद्र जी से बात करी, जब उनको सामने बुला के IG सर दिया, तो वो उनको बिल्कुल सक्रिय था, मेरे परिवार के लोग, लेकिन जब उन्हें फिर वीडियो दिखाया, उसके फोटो से भेज करवाया, फिर उसके छोटे लड़के ने, रितेश के छोटे भाई ने कहा कि हाँ सर ये उसके साथ था, फिर उसको हिम्मत अमली से पूछताछ करी, उसने बताया कि साहब हाँ मैं था, और लड़के को ले जाके मैंने विकास जो उसके चाचा का लड़का था उसको दे दिया, और हम लोगों का उद्देश्य जो है, चूंकि जितेंद्र जी काफी सज्जन व्यक्ति थी, तो इनसे पैसा वसूल करना, तो हमने कहा वो कहाँ विकास, तो बोले विकास तो एकदम खंडवा तरफ का है, ये अल्ट्रो गाड़ी, तो फिर उसको हम ट्रेस करते हुए ओमकार सर हमारी टीम IG सर के निर्देशन में, फिर SP खंडवा को बोल के, फिर वहाँ से खरगोन की टीम गई, फिर वो गाड़ी एक ओमकार सर में एक होटल के सामने गाड़ी थी, फिर वहाँ विकास हुआ, जो विकास से पूछताछ उसके साथ बच्चा था, विकास से पूछताछ करी तो उसने डिनाई कर, फिर इधर से ये जो रवाना हो गई थी टीम, फिर आमना सामना करवाया, फिर उसने स्वीकार किया कि साहब हमने तो 9 बजे ही वो जो है बच्चे का गला घोट के, मुंह दबा के, मुंह में टेप लगा के उसका गला घोट के, और आपके जो ये बाई गांव के जंगल में डेड बॉडी, फिर हमने उसकी डेड बॉडी